हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन अर्थ में। आज हम आपको बल्ब्स और कॉम्स के लिए सॉइल मिक्सचर कैसे रेडी किया जाता है वो बताऊंगी। और उसके लिए मैंने ये देखिए ये रिवर सैंड ली है, इसको मैंने छान लिया है। सॉइल मिक्सचर रेडी करने के लिए हमें एक तो रिवर सैंड चाहिए और ये मेरी खाद है, इसको ही मैंने छान ली है। अब मैं इसको एक टब में 50-50% मात्रा में मिक्स कर लूँगी, जिससे हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। सबसे पहले मैं लूँगी रिवर सैंड। दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए, ये देखिए उतनी ही मात्रा में खाद ले लूँगी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सॉइल मिक्सचर बल्ब्स और कॉम्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे हमें फ्लावर अच्छे से उगते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए सॉइल मिक्सचर हर प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सॉइल मिक्सचर बिल्कुल तैयार है और इसे अब मैं पॉट में डाल लूँगी। ये देखिए ये मेरा पॉट है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक छेद है तो इस छेद को बंद करने के लिए सबसे पहले छोटे पत्थर का इस्तेमाल करूंगी। अब हम इस पॉट में मेरा जो रेडी किया हुआ सॉइल मिक्सचर है मिला लेती हूँ। किसी भी प्लांट को लगाने के लिए सॉइल मिक्सचर एक बेस होता है और इसे लगाने के लिए इसका अच्छे से मिक्सअप होना अच्छा होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सॉइल मिक्सचर बिल्कुल तैयार है और मैंने इसको इतना ही भरा है पॉट को, क्योंकि मैं इसमें कॉर्म्स लगाने के बाद फिर से सॉइल मिक्सचर और डालूँगी, इसलिए इसको इतना ही भरना है अभी। और ये देखिए, ये मेरे पास ग्लैडियोलस के कॉर्म्स हैं, ये मेरे पास अलग अलग तरह के कॉम्स हैं और अब मैं बताती हूँ ये किस तरह से लगाए जाते हैं। ये लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है, तो हम इसे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके हल्के से इस तरह से लगाएंगे और गैप मेंटेन रखना ज़रूरी है, ये देखिए, ताकि बेबी प्लांट्स जो इनके आएंगे उनके लिए थोड़ा स्पेस बना रहे। तो मैं एक पॉट में बस 3 से 4 कॉम्स ही लगाऊँगी, 4 लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये ग्लैडियोलस के हैं, चारों कॉम्स लगा दिए हैं और इसमें गैप मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इनके जो बेबी प्लांट्स आएंगे उसके लिए स्पेस बना रहे। अब मैं इनमें मेरा जो बचा हुआ सॉइल मिक्सचर है इनके ऊपर ढक दूंगी। ये देखिए इस तरह से, ताकि कॉम्स छुप जाएं। ये कॉम्स मैंने लगा दिए हैं और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी इसमें इतना डालना है जब तक ये अच्छे से ड्रेन आउट होने लग जाए नीचे से। पॉट को फुल भर लेंगे पानी से, इसे हमें फुल भर लेना है पानी से और इतना भर लेना है जब तक कि पानी देखिए नीचे से ड्रेन आउट होने ना लग जाए। ये देखिए पानी निकलने लग गया है, तो इसमें अच्छे से पानी डालना है और अब हम इसे 10 दिन तक ऐसी जगह रखना है जहाँ हमें जहाँ से 3 से 4 घंटे तक की धूप मिल सके। इसे 10 दिन बाद हम इसे फुल सन में रख सकते हैं बाहर। तो मैं इसको रख देती हूँ जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे 3 से 4 घंटे की सिर्फ इसे धूप मिल सके। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे दोपहर बाद की धूप इसे अच्छे से मिल पाएगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एक महीने बाद का रिजल्ट है और देखिए कितना लंबा प्लांट इसमें आया है। ये हमने बल्ब लगाए थे एक महीने पहले, तो देखिए एक महीने पहले मैंने जो बल्ब लगाए थे वो सभी के सभी ग्रो हो चुके हैं और देखिए वो जो प्लांट हैं कितने बड़े हो चुके हैं। देखिए इनकी जो लेंथ है कितनी शानदार हमें दिखाई दे रही है। तो ये आप भी इसे लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और जब इसमें फ्लावर्स आएंगे तो मैं आपको इसका अपडेट दिखाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जो भी मैंने ग्लेडियस के बल्ब लगाए हैं उनका रिजल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे टेरेस पे मैंने रख दिए थे गमले, और देखिए ग्लेडियस के जो बल्ब्स लगाए थे मैंने, देखिए कितने अच्छे इसने ग्रो कर लिया है और लीव्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी आ गई है और चौड़ी चौड़ी आ गई है। और इसमें जब फ्लावर्स आएंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट में बताऊंगी इसमें किस तरह के फ्लावर्स आते हैं। तो ये मेरे 50 डेज़ का रिजल्ट है। देखिए कितना अच्छा इसमें इसने ग्रो कर लिया है, इसमें लीव्स भी आ गई है और बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं, और इसके फ्लावर्स और भी अच्छे आते हैं इनसे भी, तब मैं आपको जरूर दिखाऊंगी इसका अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि बल्ब्स को किस तरह से ग्रो करना चाहिए, और जो मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी इन बल्ब्स में किस तरह का अपडेट आया है और किस तरह के इसमें फ्लावर्स आए हैं। तो और जो भी इन जो प्लांट्स हैं इनको किस तरह के रोग होते हैं उन्हें किस तरह से बचाया जाता है, इन सब के बारे में, और कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें देना चाहिए ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियोज़ को लाइक और डिसलाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मुझे पता चल सके मेरे वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और फ्रेंड्स, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, कोई भी आपको सजेशन या एडवाइस देना हो तो आप वहाँ जाके लिख सकते हैं, मैं उसे रीड करके रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी प्लांट्स के बारे में जानकारी मिल सके और हमारी जो थीम है ग्रीन अर्थ, वो ग्रीन अर्थ बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।